नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प में और मैं हूं अजीत। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता हो कि बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक का जो है लोन देने जा रही है और इसमें 5 लाख तक का जो है सब्सिडी भी मिलने वाला है। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले आपको अप्लाई कैसे होता है, इसका यूजर मैनुअल जारी कर दिया गया है और आपको हम प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उद्योग आप लगाएंगे तो आपको लोन मिलेगा। गांव में देखते हुए आ गया कि इस योजना सबका जो है लाभ उसी लोगों को मिलता है जो लोग ज़्यादा तेज रहते हैं, जानकार रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास जानकारी नहीं रहता है, इसके कारण जो है आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो है उसको पूर्ण रूप से जानकारी ले लेना जरूरी है, तभी आप इसके लिए दोस्तों आप जो है आवेदन करेंगे और आपको जो है पैसा मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है यूजर मैनुअल के अनुसार और दोस्तों आपको क्या इसमें प्रोजेक्ट है, यानी कि क्या क्या उद्योग लगाएंगे तो आपको पैसा मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आपको चले आना है हमारे ऑफिशियली वेबसाइट biharhelp.in पे। दोस्तों बिना स्पेस के आप .in लगाइएगा क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी आ गया है। उसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करके मेनू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सरकारी योजना दिखेगा। सरकारी योजना पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सरकारी योजना है, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों उद्योग आधार का भी दिया हुआ है, 6-7 नंबर में आपको मिल जाएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021। देख सकते हैं STSC महिला EBC यानी कि सबके लिए अब हो गया है। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सभी जानकारी दिया हुआ है, क्यों शुरू किया गया, कितना लोन है, सारा चीज़ जानकारी दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हम आपको अलग अलग पार्ट में बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और शॉर्टकट में हम आपको हर बार जो है एक वीडियो बना दिए, फिर आपको आगे भी वीडियो आएगा। यहाँ पे ऐसे देखिए दिया हुआ है कि कौन से कास्ट को क्या लगने वाला है, यानी कि किसको क्या लगने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इंपोर्टेड लिंक मिलेगा सबसे नीचे यहाँ पे। तो इंपोर्टेड लिंक में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट दिया हुआ है तो प्रोजेक्ट लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट का प्रोजेक्ट लिस्ट है यहाँ पे उद्योग बिहार यानी कि बिहार सरकार का, यहाँ पे आ जाएगा परियोजना सूची, यानी कि क्या क्या आप लगाएंगे तो आपको जो है लोन मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखिए अगर आप जो है अगरबत्ती उत्पादन करना चाहते हैं, अगरबत्ती आप देखते हो गाँव समाज में महिला जो है अगरबत्ती बनाती है और सेल भी करती है, तो अगरबत्ती हो गया, यानी कि बहुत कुछ है। आइसक्रीम का उत्पादन हो गया, अचार बना सकते हैं, आटा सत्तू उत्पादन केंद्र बना सकते हैं, आभूषण निर्माण वर्कशॉप, यानी कि बहुत कुछ है। यहाँ पे अलग अलग जो है पेज में 11 पेज में टोटल दिया हुआ है। तेल मिल, दाल मिल, डीजल इंजन, मतलब बहुत कुछ है। टेंट हाउस मेजरमेंट, उसके बाद यहाँ पे हम और चीज़ कुछ कुछ बात कर लेते हैं शॉर्टकट। ऐसे आप यहाँ पे आइएगा और ख़ुद से देखिएगा, आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसी पे आप उद्योग लगाइए और पैसा जो है सरकार द्वारा आपको लोन मिलेगा। नमकीन उत्पादन हो गया यहाँ पे, उसके बाद 11 पेज टोटल है। 11 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 11 नंबर पेज ओपन हो जाएगा। जैसे होटल, ढाबा, फूड, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लिस्ट आप समझ गए किस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक और लिंक मिल जाएगा जो कि यूजर मैनुअल अप्लाई हो गया। देखिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं, यहाँ पे एक लिंक देख सकते हैं ऑनलाइन यूजर मैनुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूजर मैनुअल यहाँ पे उत्तर आ जाएगा पुस्तिका और ये PDF में आ जाएगा। दोस्तों हम इस PDF को ओपन कर लेते हैं, ये भी बिहार सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। तो इस यूजर मैनुअल में आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डिटेल्स सारा हिंदी में दिया हुआ है। तो हम आपको बारी बारी जो है हिंदी में ही समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म जानकारी के लिए जो है फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले पंजीकरण करना है, OTP आएगा, लॉगिन करना है, डिटेल्स डालना है, यानी कि किसका किसका डिटेल्स है। टोटल यहाँ पे 12 पेज में है, यानी कि अगर आप संगठन है तो संगठन का विवरण डालना होगा। तो ये दोस्तों पंजीकरण फॉर्म है, इसमें जो है यूजर मैनुअल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों वीडियो जो है लोग ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहता, इसलिए दोस्तों हम सोचते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बना के जो है आपको जानकारी दे और हर बार जो है अलग अलग। जैसे हम इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में बात कर लिए, नेक्स्ट बार हम बात करेंगे कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए बैंक विवरण देना है। तो ये सारा डिटेल्स आप समझ लेंगे, आपको चेकबुक लगने वाला है।
तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार यूजर मैनुअल और दोस्तों प्रोजेक्ट लिस्ट, दो चीज़ आप समझ लीजिए। और नेक्स्ट बार दोस्तों किस टॉपिक पे इसमें आपको चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आपको बना बना के देते रहें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों आप जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।